अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सुपे फैमिली। आज हम सात क्विज ऐप के हवाले से वीडियो बनाने के लिए जा रहे हैं। आपने सात क्विज ऐप को किस तरह से डाउनलोड करना है और उसको बाद में इंस्टॉल करना है और अपने क्विज को अटेम्प्ट करना है, आज हम स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को करके देखते हैं। सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन करना है आपने। यहाँ पे आपने टेक्स्ट बार में सात क्विज ऐप, सात क्विज के नाम से आपने लिखना है, इसको इंस्टॉल कर लेना। बेसिकली इसको आपने यहाँ से डाउनलोड करना है। सबसे पहले जैसे ही ये डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉल हो जाएगी आपके मोबाइल के अंदर, आपने इसे ओपन कर लेना यहीं से ही, ठीक है। अब आपके सामने इसका जो इमेज शो होने लगा है, यहाँ पे आपके सामने ये देखें सबसे नीचे फ्री का ऑप्शन है, क्योंकि फ्री बेसिकली रजिस्टर का बटन है। आपने इसको क्लिक करना है और इसके आगे आपका एक फॉर्म आएगा, आपने इस फॉर्म को फिल करना है और इस फॉर्म के अंदर आपने अपनी सारा डाटा लिखना है, ठीक है। एक चीज का ख्याल रखिएगा, इस ब्रैकेट के अंदर आपने जीरो से अपना नंबर लिखना है। ठीक है, जब आपने प्रोग्राम सेलेक्ट करना है ना, आपने इसमें आप जिस क्लास का आप देखना चाहते हैं और आपने यहीं पे ही एक अपनी क्लास को मेंशन कर लेना है, क्योंकि इसके बाद आप क्लास को चेंज नहीं कर सकते, आपको इसके लिए फिर दोबारा से ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी डिलीट करके, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ कि मुझे फर्स्ट ईयर का मतलब के शो हो, फर्स्ट ईयर की बुक्स के MCQs, ठीक है। जेंडर यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। लॉगिन के टाइम पे आपने अपनी ईमेल आईडी, जो आपकी अपनी ईमेल आईडी है, आपने वो लगानी है, और जो पासवर्ड है जरूर आपने 8 करेक्टर्स का लगाना है, आप वो कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे अपनी मर्जी का 8 करेक्टर का पासवर्ड लगा देता हूँ, ठीक है। लगाने के बाद मैं इसको रजिस्टर कर लेता हूँ, साइन इन कर लें। साइन इन जैसे ही करेंगे आप, तो ये आपके सामने ये इसका साथ का फ्रंट पेज आ जाएगा, वेलकम टू चूज अ सब्जेक्ट। अब मैं इसके अंदर कोई सा भी सब्जेक्ट एक पकड़ लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं केमिस्ट्री को ओपन करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे सामने केमिस्ट्री के सारे चैप्टर्स शो होने लग गए हैं। अब ये जो सारे चैप्टर शो हो रहे हैं, इसके अंदर सबसे पहले मैं चैप्टर को सिलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 1। यहाँ पे मैं 95 मेरे पास टोटल MCQs हैं। अब मेरी मर्जी है मैं इस वक्त कितने MCQs अटेम्प्ट करना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं 5 MCQs अटेम्प्ट करना चाह रहा हूँ, मैं इसको यहाँ से ओके करता हूँ और सबमिट का बटन प्रेस कर देता हूँ। मेरे सामने यहाँ पे इसका ओपन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी को भी फर्स्ट अटेम्प्ट किया और यहाँ पे मैंने सेकंड अटेम्प्ट किया यहाँ पे, और आप देखें ऊपर काउंटडाउन चल रहा है 1 मिनट का टाइम है फॉर ईच MCQs। और यहाँ पे नेक्स्ट किया मैंने, वंस अगेन यहाँ पे नेक्स्ट कर दिया, और जैसे ही 5 MCQs मेरे कंप्लीट हुए, मेरे सामने एक समरी आ जाएगी, एक स्कोर बोर्ड आ जाएगा, स्कोर कार्ड आ जाएगा, जिसके अंदर मुझे पता होगा कि मेरा करेक्ट कितना है, रॉन्ग कितने हैं, टोटल मेरे पास कितने थे। मैं इस यहाँ से अपनी गो बैक जा सकता हूँ, डिटेल में देख सकता हूँ। अपनी डिटेल के अंदर मुझे दोबारा से सारे MCQs बिल्कुल करेक्ट आंसर के साथ नजर आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट करता जाऊँगा, और अगर मैं बैक जाना चाहता हूँ तो ये मैं यहाँ से बैक आ जाऊँगा, ठीक है। तो वंस अगेन जब आपने आना है तो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली आपका जी लॉगिन और पासवर्ड यहाँ पे होगा, तो आप यहाँ से अगेन साइन इन हो सकते हैं। तो ये सात एप्लीकेशन को यूज़ करने का तरीका। तो होप फॉर द बेस्ट स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।